गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा था। कल हमने दूसरे किचॉफ लॉ के दो सम देखे थे, बराबर आज एक सम देखना है, बराबर वो ओल्ड बुक का सम है, बराबर ये जो सम है वो ओल्ड बुक का है, बराबर। लेकिन याद रखो कि ये सम का ये सम जैसा ही, लेकिन इससे इजी आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये मैं आपको याद दिखा रहा हूँ, बराबर। तो वो एकदम ध्यान से देख लेना, एक थोड़ा हार्ड सम है। हार्ड सम मतलब आपको फिगर खुद से बनानी है, बराबर। पहले क्या था कि अभी तक क्या था कि फिगर हमें दे देते थे, सिर्फ हमें आई का पाथ और आई मतलब डायरेक्शन ही हमें देखनी थी, लेकिन इसमें तो फिगर भी खुद से ही बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, देखो, अ क्यूब इज मेड बाय कनेक्टिंग ऑफ 12 वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर। मतलब कि एक क्यूब है, देखो तो मैं एक क्यूब लेता हूँ यहाँ पे, देखो एक टाइप का मैंने क्यूब बनाया, बराबर है, ये क्यूब बनाया। अभी उसमें 12 वायर है, इक्वल रेजिस्टेंस आर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनली पॉइंट। अभी इसमें डायगोनली दो होते हैं, एक ये और ये, और एक ये और ये, दो डायगोनल होते हैं। तो मैं ये डायगोनल लेता हूँ, बराबर है, तो ये डायगोनल लेता हूँ, तो मैं इनके बीच में एक बैटरी ज्वाइंट कर देता हूँ, बराबर है। बैटरी ज्वाइंट कर दिया मैंने, बराबर। तो अभी ये मैंने बैटरी ज्वाइंट कर दिया, तो अभी इसके अंदर से बैटरी में से करंट आई फ्लो हो रहा है, समझो यहाँ तक आई आ रहा है, बराबर आई आ रहा है। यहाँ से आई के तीन पाथ होते हैं, बराबर, यहाँ तक आई था, तो ये तीन पाथ होते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री हो गया, बराबर। ये आई बाई थ्री गया यहाँ पे, यहाँ तक गया, ये आई बाई थ्री यहाँ तक गया, यहाँ से फिर से दो पाथ, तो आई बाई थ्री इंटू आई बाई टू मतलब आई बाई सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी आई बाई सिक्स और यहाँ पे भी आई बाई सिक्स। अभी इसकी बात करते हैं, पहले मैंने आई यहाँ पे आया, इसके तीन पाथ थे, मतलब आई के तीन पाथ मतलब आई बाई थ्री। पहला आई बाई थ्री लेता हूँ, तो यहाँ ऊपर तक गया, लेकिन इसके दो पाथ है, तो आई बाई थ्री के भी दो पाथ मतलब आई बाई सिक्स। अभी ये आई बाई थ्री है, यहाँ तक जाता है, इसके भी दो पाथ है, तो ये ऊपर की ओर जाता है वो भी आई बाई सिक्स, ये यहाँ पे जाता है वो भी आई बाई सिक्स हो गया। ये आई बाई थ्री जाता है यहाँ तक, इसके भी दो पाथ है, ये ऊपर की ओर जाता है आई बाई थ्री, सॉरी आई बाई सिक्स, यहाँ पे जाता है आई बाई सिक्स हो गया। अभी ये जो करंट जा रहा है यहाँ पे है, यहाँ तक भी जाएगा, ये फॉर एग्जांपल जा रहा है, ये भी है आई, बराबर आई है, ऐसे आई आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे तीन पाथ होंगे, तो ये आई बाई थ्री, ये भी आई बाई थ्री और ये भी आई बाई थ्री, बराबर है, हो गया आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री हो गया। अभी जो हमें करना है वो है, ये हमारा सब पाथ हो गया, बराबर हो गया ये सब पाथ, चलो अभी यहाँ से करंट आई बाई सिक्स जा रहा है, तो ये यहाँ से ही जा रहा था, यहाँ तक आई बाई सिक्स आया, अभी ये यहाँ पे जाएगा, बराबर एक ही पाथ है, मतलब उसका आधा, मतलब ये आई बाई थ्री हो गया, बराबर ये पाथ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा आई बाई थ्री, और ये जो जा रहा है, मतलब देखो ये यहाँ से आई बाई थ्री गया, ये आई बाई सिक्स, फिर से आई बाई थ्री, आई बाई सिक्स गया, ये आई बाई थ्री हुआ, बराबर। अभी ये जो जा रहा है आई बाई सिक्स, तो ये ऊपर की ओर जाएगा आई बाई थ्री, मतलब यहाँ पे सब आई मैच होगा और यहाँ से निकलेगा आई, बराबर। देखो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये बैटरी एप्साइलॉन है, बराबर, यहाँ से एक आई करंट जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे इसके तीन पाथ है, इसलिए मैं आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री बनाया, तीन में से एक गया ऊपर, ये यहाँ पे पहुँचा तो दो पाथ बने, तो आई बाई सिक्स हुआ, ये दूसरा पाथ गया यहाँ पे तो इसके भी दो पाथ है, तीसरा गया यहाँ पे इसके भी दो पाथ है, ये खत्म हो गया। अभी ये तो इस पॉइंट की बारी है, लेकिन ये आई बाई सिक्स यहाँ तक गया तो ये इस साइड जाएगा, मतलब कि आई बाई थ्री इस साइड जाएगा,
ये आई बाई सिक्स इस साइड गया, मतलब आई बाई थ्री इस साइड जाएगा, क्योंकि एक आई यहाँ पे मिल रहा है तो दूसरा आई यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ से बाहर निकलेगा, बराबर है। तो ये आई बाई सिक्स यहाँ पे गया तो ये आई बाई थ्री ऊपर जाएगा, यहाँ तो यहाँ पे मिला, यहाँ से आई निकला, आई यहाँ पे आया, बराबर है। तो ये हमारी फिगर हो गई, बराबर। ये फिगर आपको खुद से बनानी है, बराबर। ये हो गए, अभी हमें इसके नंबरिंग में दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए लेता हूँ, बी, या आप खुद से भी दे सकते हो सी डी, बराबर है। सी डी चार पॉइंट हो गया, इसको ए के ऊपर मैं लेता हूँ ए डैश, बी के ऊपर लेता हूँ बी डैश, सी के ऊपर लेता हूँ सी डैश, डी के ऊपर लेता हूँ डी डैश, हो गया। यहाँ पे ले लेता हूँ एल एम एंड एन, हो गया, बराबर। चलो अभी हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि आर डैश फाइंड करना है, बराबर। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे तो क्या चाहिए कि एप्साइलो, मतलब के उसकी बैटरी की वोल्टेज चाहिए, क्योंकि ये यहाँ ये दोनों पॉइंट के बीच में चाहिए, तो मुझे बैटरी की वैल्यू चाहिए ना। तो बैटरी की वैल्यू के लिए मैं सबसे पहले लूप बनाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर लूप, कौन कौन सा लूप, ए ए डैश, देखो जहाँ से मुझे चाहिए क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ डायगोनली, डायगोनल मैंने ए सी डैश लिया है, मतलब कि ये लूप के बीच में मुझे आर डैश चाहिए, मतलब मुझे बैटरी चाहिए। तो बैटरी फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि मुझे सबसे पहले बैटरी की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, किच ऑफ लो से। तो मैं लूप कैसा बनाऊंगा, जो लूप की मुझे ज़रूरत है, बराबर है, अंदर का भी लूप बन सकता है लेकिन उसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कौन सा लूप बनाऊंगा, ए ए डैश डी डैश बराबर सी डैश एन एम एंड एल, बराबर। कौन सा, ए ए डैश डी डैश सी डैश एन एम एल, हो गया लूप, बराबर। चलो स्टार्ट कर से ए से ए डैश स्टार्ट करते हैं, बराबर। तो पहले देखो आई बाई थ्री है, सेम डायरेक्शन, मतलब क्या लेंगे, माइनस माइनस आई बाई थ्री, और उसका रेजिस्टेंस तो कितना होता है सबका, आर ही है, बोला ही हमें 12 आर इक्वल रेजिस्टेंस आर। यहाँ आई बाई थ्री पहुँचा, फिर से सेम डायरेक्शन, मतलब माइनस आई बाई सिक्स इंटू आर, सेम ये माइनस आई बाई थ्री इंटू आर, यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा, प्लस एप्साइलॉन इज इक्वल टू जीरो, सो क्या रहेगा, माइनस आई बाई थ्री आर माइनस आई बाई सिक्स आर माइनस आई बाई थ्री आर इज इक्वल टू माइनस एप्साइलॉन, हो गया, बराबर। अभी मैं माइनस सब में से कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई बाई थ्री आर प्लस आई बाई सिक्स आर प्लस आई बाई थ्री आर इज इक्वल टू एप्साइलॉन, हो गया। अब मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा, वन बाई आई आर में सब में से कॉमन निकाल लेता हूँ, बराबर। तो वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री आई आर इज इक्वल टू एप्साइलॉन, हो गया। वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री टू बाई थ्री, बराबर टू बाई थ्री, तो मतलब कितना एलसीएम आएगा, सिक्स एलसीएम आएगा। इसको दो से मल्टीप्लाई करूँ, इसको वन से और इसको टू, तो क्या होगा, टू प्लस वन प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स आई आर इज इक्वल टू एप्साइलॉन, सो फाइव बाई सिक्स आई आर इज इक्वल टू एप्साइलॉन, एप्साइलॉन की वैल्यू मिली, ये इक्वेशन वन हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वल रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है, तो इक्वल रेजिस्टेंस मतलब के दोनों पॉइंट में किसके बिरुद्ध में, डायगोनली। तो मैं सिर्फ यही लूप लूंगा एल वाला, कौन सा, ए बी सी सी डैश एन एम एंड एल, बराबर। तो मैं लूंगा फॉर लूप, कौन सा, ए बी सी सी डैश एल सॉरी एम एन एन एल, हो गया, बराबर। अभी मुझे पता है कि ये जो लूप है, बराबर, ये लूप के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, क्या होता है, एप्साइलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर डैश इक्वल है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसलिए, बराबर। एप्साइलॉन की फॉर्मूला मेरे पास है फाइव बाई सिक्स आई आर इज इक्वल टू आई इंटू आई, आई कैंसिल हो गया, सो आर डैश इज इक्वल टू क्या मिला, फाइव बाई सिक्स आर, ये हमारा आंसर हो गया। जो मुझे
एप्साइलॉन की वैल्यू दी होती तो मैं ये इक्वेशन पे से ये एक लूप बनाता, दूसरा दूसरा लूप बनाता और आई फाइंड करता, क्या फाइंड करता, और आई की वैल्यू डाल के मैं बराबर है? तो ये उसकी बात है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बोला था, तो ये एक सम आपको करना है बराबर। इसके जैसा ही सेम सम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली फिगर दी हुई है बराबर है। क्या बोला है देखो, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क बराबर कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टेंस। इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ ही है, फिगर ही दी हुई है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, सबकी वैल्यू दी है 1 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, हर एक पे हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेम फाइंड करना है, सेम ही करना है, कुछ नया नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये वाला, ये जो हमने फाइंड किया ना 5/6 वाला, आउट सेम करवानो छे बराबर। आटलो तुम्हारे कहो चाहिए, ये आपको सम करना है, और एक ये नेटवर्क दिया हुआ है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क बराबर, तो इसमें लूप बनाना है। देखो फिगर ऑलरेडी आपको दी हुई है, इसमें कोई टेंशन नहीं, आपको आई बाई टू आई माइनस वन सब कुछ दिया है, करंट की डायरेक्शन भी दी है। सिर्फ आपको क्या करना है, ईच ब्रांच ऑफ द, हमें करंट हर एक ब्रांच के अंदर फाइंड करना है बराबर। तो हमें लूप कौन सा लेना है वो सिर्फ हमें देखना है बराबर। तो सबसे पहला मैं कौन सा लूप लूंगा, ए बराबर डी सी ए, ये पहला लूप, फिर ए बी सी ए दूसरा लूप, देख लो है दूसरा लूप बराबर, और तीसरा लूप कौन सा होगा, तो कह भाई बी सी डी ए बी, देख लो बी सी डी ई बी है, बी सी डी बराबर, और ई और बी, ये वाला तीसरा लूप, एक दो और तीन, तीन लूप हो गए। तीनों लूप को क्या कर दो, मिक्स कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, पर करंट मिल गया। आ तो बहुत इजी सम कहवाई, हमने डायरेक्ट फिगर आप दे लीजिए बराबर। तो आपको ये एक सम करना है, ये एक सम करना है, और दूसरे दो सम मैं आपको भेजता हूँ, वो 4-5 सम आज आपको कंप्लीट करने हैं। ओके okay?